शर्माना नहीं है। मेरे दोस्त के वाइफ है, आबा मैडम कहाँ गई, यहीं बैठोगे, ये रहे उतार उतार में डेमोक्रेट मुकिन जाओ ऊंच कर इसके लिए पहलो दिवस से बीजे दिवस के लोचो थी गयो। मैं कुछ मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ा चार पांच डेमोस्ट्रेशन देखिए अप्लाई का, उसके बाद आप कीजिए, लेकिन वो एक्साइटमेंट था। बोले नहीं आप टेंशन मत करो, पहले सुनो मुझे। मैंने बोला क्या हुआ? बोला वो जो सॉफ्टवॉश का नहाने का साबुन है उसके अंदर मैंने नील डाल दिया उजाला। मैंने बोला फिर बोला मैं हिला रही हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या सामने वाले को थोड़ी पता था। मैंने बोला कुछ नहीं होता, उसने बोला कुछ नहीं होता। बोला लॉयल्टी करा के आई और मैं तेरी आने वाला। तो हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। या तो हम लोग साले डेमोक्रेट उठाने में छह महीना सोचते हैं उठाऊ कि ना उठाऊ। हमें तो जैसे वो कौन सा पैर उठा रहे थे, अंगद का पैर उठाना हो वैसे तो डेमोक्रेट उठाते। अरे यार आज मुझे करना पड़ेगा। कई 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 लोगों को हमें जबरदस्ती इंजेक्शन डालने पड़ते हैं। 10 लोगों ने बुलाया हो, 5 डेमो जोई लीधा हो, यानी कोक आज साझे 6 वागे गोठवी दे, अने जेवो 6 वागे फोन, अरे यार सॉरी मारा थी नहीं पहुंचा यार, एक मोटो प्रॉब्लम है, तू तार जाते कर ले, अबे फसाई गया, अबे करो पड़े। तो डेमो किट तो उसके पास होती है ना। मैं तो पहले ही पूछता हूँ अगर आपके पास डेमो किट नहीं है तो मैं आऊंगा ही नहीं। डेमो किट होगी उन्हीं को सपोर्ट करूंगा, मैं अपनी डेमो किट से डेमो नहीं करता, सामने वाले की डेमो किट से, ताकि मुझे पता चले वो लोग क्या यूज करते हैं। અને ઘણા તો પાછા એવી ચકા ચકા જો મારી એકદમ ચોખ્ખી લે પણ વાપરો ને ચોખ્ખી જોઈએ તો આમ તો ડેમો કીટ જો સબસે ગંદી હોતી ઉસકા રિસ્પેક્ટ કરતે ફોતરે ફોતરા નીકળી જાય એની રિસ્પેક્ટ કરીએ હવે સમજ ના એ આદમી કામ કર રહા હે ઉસે પતા ચલતા હે બધું ચોખ્ખું જોઈએ નહીં તો સોફા નીચે ડઝન મૂકી દીધી હોય મહિને એક વાર કાઢવાની તો એસે નહીં હોતા ખેર મેને જબ મેરા સબ કુછ સહી ચલ રહા થા તો एक हम लोग क्या सोचते हैं लाइफ में। वैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि पानी की गहराई नापनी हो तो 2 पांव डाल के मत नापिए, एक नहीं तो डूब जाओगे। सेम मेरे ऐसे कई सारे दोस्त बैठे होंगे जिनको सोर्स ऑफ इनकम एक होगा, अच्छी बात है अगर एक है तो, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि एक में कभी भी पंक्चर लग सकता है। और यहाँ कोई भी ऐसा सोचे जैसे हमारा लगा, हम टेलीकॉम में थे, मुली भैया आए, हम लोग कंपटीटर थे, बहुत सारे हम कंपटीशन करते थे। आप उनको पूछिए, मतलब ये मुझे नकली माल बेचने वाला बोलते थे, मैं इनको नकली माल बेचने वाला, अभी हम साथ में काम कर रहे हैं। तो ऐसी बाहर की दुनिया में टांग खिंचाई होती है, कंपटीशन होती है, गंदी कंपटीशन होती है। यहाँ हम मतलब मैं आप लोगों को कई 99% लोगों को मैं नहीं जानता, यहाँ पे मुझे आपके नाम भी नहीं पता, फिर भी ये चीज़ मैं कसम खा के बोलता हूँ, हम लोग आपके साथ हैं, आपकी जीत में आपके साथ है। आप जब तक सीख नहीं जाते, आपकी टीम जब तक सीख नहीं जाती, हम सिखाते रहेंगे। और ये चीज आपको बाहर की दुनिया में कभी नहीं मिलेगी, और इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए। 50 रुपया में जो आओ भपोर में एसी में बैसवा मड़े ना तो ये पैसा वसूल से ट्रेनिंग तो वो दूरनी बात है, बाहर आटो मारिया लिखा पड़ते। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ तो हमारा टेलीकॉम का बिजनेस था, पीसीओ मशीन और पेफोन्स में होलसेल करता था। और क्या हुआ, मोबाइल आ गए, और मोबाइल आ गए तो आपको पता है लोगों ने पीसीओ पे जाना बंद कर दिया। आजकल के जो यंगस्टर्स बच्चे उनको पता भी नहीं होगा कि कॉइन बॉक्स नाम की कोई चीज थी, सिक्का डाल के फोन होते थे। तो अब सोचिए मेरी हालत क्या हुई होगी, जिसका टर्नओवर एक साल का 8 करोड़ का है हार्डवेयर का बेचने का, और वो सीधा 40 लाख या 70 लाख पे आ जाए एक साल में, तो 20-25 आदमियों की सैलरी निकालना, क्या घर पे लेके जाऊंगा मैं। तो मेरे पास 25-30 लाख रुपए कैपिटल पड़ी थी, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया कि अब लाइफ में क्या करूंगा। और इसीलिए अगर कोई ये बोलता है ना कि मेरे तो दादा की दुकान है, अने हमारे तो करियाना दुकान एकदम सेट, करियाना दुकान तो कभी बंद था नहीं क्योंकि लोगों को जरूरत पड़ेगी, लेकिन भगवान ना करे उस दादा की दुकान के आसपास बिग बाजार या डीमार्ट आ गया तो 3.5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी दादा सब गए, क्योंकि आपसे आप जितने में माल खरीदते हो उससे कम में वो लोग बेचते हैं डीमार्ट वाले। दुकानदार जितने, और आपको बता दूं दुकानदार डीमार्ट से खरीदते बेचने के लिए, और उनके लिए भी कैपिंग लगाई हुई कि आप इतने से ज्यादा नहीं ले जा सकते, तो वो 4 लोगों को लेके जाते हैं कि आपने 4 बेचे तो 5-5 ले दी, सो ऐसे करके लेके जाते हैं क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है बेचने में।
तो कंपटीशन कहीं से भी आ सकती है। मैंने सोर्स ऑफ इनकम सेकंड नहीं रखा था मेरी लाइफ में, तो मैंने एक तो बिजनेस करने के ट्राई किए, वहां भी लाइफ में एक प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम से आज पूरी दुनिया गुजर रही है जो मुझे तब प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि मैंने 14 साल टेलीकॉम बिजनेस किया, 5 साल बहुत मेहनत की, मतलब बाइक 300-300 किलोमीटर में एवरीडे चलाता था, पीसीओ पास होते थे उनको कन्विंस करता था, अपनी मशीन बेचता था और पता नहीं कहाँ से निकलता था बालासिनोर वीरपुर होके, यहाँ से होके कपड़े जो के कटला होके वापिस आता था मैं। एक एक दिन की मेरी ट्रिप इतनी लंबी होती थी और हर जगह आधा आधा घंटे में कॉल निपटा के फिर आगे निकलता था। बहुत मेहनत की मैंने 5 साल बस, बाकी 6 साल से एसी चैम्बर आ गई, एसी कार आ गई, एसी घर आ गया, फिर डोरबेल बजा के पानी का ग्लास पीता था मैं, इवन पानी का ग्लास खुद उठ के नहीं पीता था। और जब आप अच्छी आदतें नहीं लगाते तो कुछ बुरी आदतें भी आपकी लाइफ में आ जाती है कि भी शाम को फिर पार्टी वार्टी करो, ये करो। अब ये लाइफ के अंदर जब बिजनेस मेरा कॉलेप्स हुआ तो मेरे अंदर एक आदत आ चुकी थी, काम नहीं करने की आदत। आज कोविड में जो भी लोग नहीं है इस दुनिया में, हमारी सहानुभूति है उनके परिवार के साथ, लेकिन उनकी परिस्थिति उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितनी जिंदा लोगों की आज में हो गई है। क्योंकि आप किसी भी घर पे जाओ ना तो सोफा में मोटा मोटा खाड़ा पड़े आते हैं, अल्लाह अल्लाह, टीवी नहीं सामने, अमेजोन प्राइम आज भी तो पती गयो, नेटफ्लिक्स पती गयो, हॉटस्टार पती गयो, मिर्जापुर तो क्या 3G वाला चाल है। आप सोचो रात को 2-2, 3-3 बजे तक यही चलता है, सीरीज देखते रहो और सोफे के अंदर खड्डा करते रहो। और ये लोग पूरे कोविड के अंदर और कुछ नहीं सीखे, एक बात जरूर सीखे, अच्छा भाई इसे घर के में जाना है, बस यही सीखे, अपने मतलब की चीज बाहर निकाल दी, क्योंकि इससे काम नहीं करना पड़ता है ना। काम नहीं करने की आदत की वजह से मैंने शॉर्टकट चुना होता स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। और शेयर बाजार में मैंने सिर्फ एक साल के अंदर 28-30 लाख की कैपिटल खो दी, 44 लाख बैंक की कैश क्रेडिट सीसी थी मेरी, वो भी खो दी मैंने, SBI और ICICI बैंक की थी मेरे पास। और फिर मैं लोन लेता रहा और 1,36,25,000 14 बैंकों से मैंने लोन लिया, 14 बैंकों ने मुझे नोटिस भेजे, चेक बाउंस होना स्टार्ट हो गया, समन्स भेजा, वारंट भेजा और इवन नॉन बेलेबल वारंट भी भेजा। पुलिस आती थी मेरे घर पे, ऑफिस पे, दिल्ली से एक ने केस किया है गुड़गांव से, एक ने गोरेगांव बॉम्बे से किया है, एक ने चेन्नई से केस किया है। अगर मैं डेट भी भरता ना तो मैं ख़त्म हो जाता। और ये मांगने वाले बड़े खतरनाक ट्रेंड होते हैं, पता है ना आपको, एल्बम लेने आ रहे हैं कि जो तुम्हारे पाछना घर में थी जब मैं टीवी उठाई लाया मैं, एनो फोटो आई टीवी ले जाओ तो मुझे तो अपने घर की सारी चीज़ें एक एक करके बाहर जाती हुई दिख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करूं तो 60 लाख रुपए की थी और कर्जा डबल था, डबल से ज़्यादा 1.5 करोड़ का। तो उस वक्त ना कोई फैमिली बैकग्राउंड था कि जमीन बेच के निकल जाए, ना ऐसे कहीं अमीर जादों से हमारा पाला था कि भाई वहाँ से पैसे लेके हम निकल जाए, तो समझ में नहीं आया। 20-25 दोस्तों को इकट्ठा किया और सबने बोला कि हमें 1-1 लाख रुपया आपके तुम एक धंधो कर। मैंने बोला 25 लाख में 1.5 करोड़ रुपए कमाने का कौन सा बिजनेस है, आप में से कौन कमाता है ऐसा? और अगर मैं आपको पूछूं ना तो आपके पास भी इसका जवाब नहीं होगा कि 25 लाख में 1.5 करोड़ कैसे आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप आज जिस मीटिंग में बैठे हो ना उसमें मेहनत से 1.5 करोड़ आते हैं, 25 लाख की जरूरत नहीं है। और ये गारंटी दे सकता हूं, अगर आप मेहनत की गारंटी दे रहे हो, आप मेहनत से फिजिकल नहीं विथ राइट माइंडसेट, अगर मेरे अंदर बिलीफ टूट गया ना तो सब कुछ टूट गया। मेरे अंदर ये जब सवाल उठने लगे कि होगा कि नहीं होगा, फिर मेरा रिजल्ट कभी ऊपर नहीं जा सकता। तो आपका माइंडसेट और आपकी मेहनत दो चीज अगर है तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। खैर मैंने वो पैसे दोस्तों से नहीं लिए क्योंकि 5-7 दोस्त ऐसे थे जो कहीं से उधार ला के मुझे देते। एक दो दोस्त के पापा डिवाइस भी थे और एक के जज थे और दोनों की एडवाइस मेरे पास ही आई कि तू इनसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दे, हाथ ऊपर कर दे, क्योंकि अब तेरे से कुछ होगा नहीं, तू कर नहीं पाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा CA बना था, मैंने उसकी कैबिन में सुन लिया जब मैं उसको मिल के निकला तो किसी को बोल रहा था ये जिंदगी भर IT भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, लॉस बुक किया है इतना
तो कितना भी कमाए आदमी तो जब तक लॉस बुक नहीं हो जाता तो खैर मुझे तब स्टॉक मार्केट में लॉस बुक देते थे, अब तो नहीं देते वो शॉर्ट टर्म में, लेकिन मेरी आंख में आंसू आ गए ये सुनते हुए कि लोग हिम्मत देने की बात तो बहुत पीठ के पीछे ऐसे डायलॉग बोलते हैं कि आदमी टूटने वाला भी ऐसे ही टूट जाए। कार नंबर 4354GJ05 राजकोट नहीं गाड़ी है 4354 सूरज जी जी आ गया, थैंक यू, कोई बात नहीं, रास्ता पड़ी है कोई ले ले सर। तो पूरी रात मैंने सोच के फिर निर्णय लिया कि मैं ये पैसे लौटाऊंगा। तो फिर दोस्तों ने बोला कि कहाँ से होगा, फिर किसी ने बोला अमेरिका चला जा, वहाँ पाँच साल मेहनत करेगा तो थे ये सही। मैं बोला ठीक है अगर हो जाएगा पाँच साल में तो वहीं चला जाता हूँ। तब ये मेंबर बनाने वाला धंधा मेरा एक दोस्त, ये 25 दोस्तों में से एक दोस्त कर रहा था और जैसे मुझे भी सख्त नफरत थी इससे, वो 2005 से कर रहा था, 2009 तक मैं उसके हाथ में ही नहीं आया। वो जब भी लैपटॉप खुलता था मैं हंसता था, जादूगर आए हो, टोपियों फेरो नारो आए हो, हम खुद ऐसे ही बोलते थे, बाटली में उतार नारो आए हो, ये सब उसके हमने पैटर्न बना के रखे हुए थे। और मैं उसका लैपटॉप बंद कर देता था, उसने सोचा अल्पेश कभी हाथ में नहीं आएगा। एक दिन बॉम्बे जा रहा था और मैं भी फ्रस्ट्रेटेड था, बोले चल बॉम्बे मेरे करोड़पति दोस्त थे शायद तुझे कुछ मदद कर दे। मैंने बोला चल, बैठ गया उसके साथ, होटल मनाली मलाडिस्ट में हम लोग रुके थे। अने अर्ली मॉर्निंग 9:15 वाग्या अने बे गाड़ियों आई, ऑडी अने BMW, वो गैरेज वाला मेरा जो दोस्त था। तो मैंने बोला यार ये, बोले बस आई गया, तने मरवा आवेश, तो के हाँ कौन छे मैंने बिजनेस पार्टनर है, गैरेज वाला ना बिजनेस पार्टनर बॉम्बे में ऑडी ने BMW ली। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा, ऐसी दुनिया हमने कभी देखी नहीं थी। उसमें एक अंकल आए जिनकी एज थी 62-64 ईयर्स, 60 से 65 साल की एज थी। अंकल ने मसाले खाना चालू किया, डस्टबिन में थूक रहे थे, मैं टीवी देख रहा था, मुझे कोई ऐसी पड़ी नहीं थी। मैंने बोला वो हो गए जो उनके जो है, मैं अपना काम करूँ। उसका नाम दोस्त को मनीष नाम था, अने आपने सुबह ही है ने मनीष ने मनिया वो मनिया है ना, क्या थूके नहीं तो वह धीरे धीरे कान में इनके होटल में बाड़ू एने जा तो मैं ये थूकवा दे भी। फिर वो अंकल ने बताया बातों बातों में, मेरी एक साल की इनकम है करीबन करीबन 2 करोड़। जैसे आपको भी ये बातें सच नहीं लगती, मुझे भी नहीं लगी, सिंपल सी बात है, हमने ऐसा कभी सुना नहीं था। तो मैंने पहला क्वेश्चन ही पूछा आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, बोले 4 साल की मेहनत। मैंने बोला मैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री बोल रहा हूँ, पैसा कितना इन्वेस्ट किया, बोले 1 रुपया भी। मनिया जुट्ठू बोले जडो बोले तू चेक कर ले। तो मैंने उससे इनकम प्रूफ मांगे, मुझे TDS सर्टिफिकेट बैंक स्टेटमेंट दिया गया, मैं अपने CA के पास मैंने वेरीफाई करवाया बड़ौदा में, और वो इनकम सच निकली। तो इतनी अकल तो हम लोगों के अंदर है कि अगर कोई कमा रहा है मतलब रास्ता तो है, अब हमें कैसे पहुंचना है। देखो आप अपनी लाइफ में 50,000 या 1 लाख रुपया कमा रहे हो राइट, और मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूं कि चल यार 2 लाख कमा लेते हैं। जब 1 से 2 लाख जाना हो ना तो आप एक चीज जरूर देखेंगे, लाइकिंग डिसलाइकिंग मोड, क्या पसंद है कि नहीं है, नहीं तो फिर 1 लाख में क्या फर्क है, जिंदगी चली रही है, क्यों यार मुझे ये सब धूप में घुमा रहा है डेमो किट ले लेके, मुझे ये पसंद नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आप ये बोल सकते हो। लेकिन अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, और मैं 20-25 लाख की बात कर रहा हूं, तो पहली बात लाइकिंग डिसलाइकिंग मोड तो मार देना चाहिए, उसका मर्डर कर देना चाहिए, और दूसरी बात कॉमन सेंस लगानी चाहिए कि इसमें कुछ गलत है तो नहीं करूंगा, लेकिन गलत तो नहीं है तो मैं करूंगा नहीं, मैं मर मर के करूंगा, किसी भी हाल में करूंगा। और गलत है कि नहीं वो मैं आपको समझाने वाला कोई नहीं होता, आप खुद ही चेक कर लीजिए इसमें कुछ गलत है कि नहीं, अगर गलत लगे तो मुझे दिखा देना मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन आपको लगेगा नहीं। धंधा सही होता है या धंधा गलत होता है,
धंधा छोटा और बड़ा कभी नहीं होता, और अगर धंधा छोटा और बड़ा होता तो जूते का बिजनेस कभी बाटा नहीं बनता और लोहे का बिजनेस कभी टाटा नहीं बनता, छोटा और बड़ा होता है।